तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जब यहाँ पे कोलकाता और सनराइज हैदराबाद आमने सामने होंगे, और आज जो टीम मैच जीतेगी वो आईपीएल की इस ट्रॉफी को अपने साथ ले जाएगी और इस ट्रॉफी का खिताब उसके नाम चला जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सनराइज हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों ही काफी मजबूत टीम है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है तभी ये दोनों जाके यहाँ तक पहुंची हैं, लेकिन कोई एक तो जीतेगा ही, जीत किसी एक की ही होगी और किसी एक को तो हारना पड़ेगा, ये क्रिकेट का नियम है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे केकेआर और एसआरएच के बीच में ड्रीम इलेवन टीम प्रिडिक्शन, फैंसी क्रिकेट टिप्स, प्लेइंग इलेवन की अपडेट, प्लेयर इंजरी अपडेट, उसके साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन, क्योंकि आज आपको दोस्तों मल्टीपल टीम बनानी है। आज आप लोग दो तीन टीम मत बनाइएगा, कम से कम मिनिमम 5 या 6 टीम आप लोग आज बनाइए और विनिंग आप लोग करके जाएंगे, इस बात की पूरी पूरी सियोरिटी है। और बैट्समैन के एडवांटेज होने के साथ साथ बॉलिंग फेवर भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आज बैटिंग के साथ साथ बॉलर्स को भी काफी बड़ा एडवांटेज मिलेगा, जिसके माध्यम से वो लोग भी यूनिक लेवल से आज परफॉर्मेंस देंगे और आपको बॉलर्स को भी अपनी टीम में रखना है। तो आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो मैच है होने वाला है एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, जहां पे परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो काफी यूनिक लेवल से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, काफी बड़ा स्टेडियम, परफॉर्मेंस भी काफी इसमें नेक्स्ट लेवल से रहती है। बात करें अगर हम लोग यहाँ पे पिच कंडीशन की, तो आप लोग पिच कंडीशन को अगर समझें तो आपको ये तो जानना पड़ेगा कि दोस्तों जो पिच है वो काफी डिफरेंट लेवल से परफॉर्मेंस देती है यहाँ पे, क्योंकि पिच का बहुत अहम रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो जो पहले क्रिकेटर रह चुके हैं केविन पीटरसन, उन्होंने कहा है कि क्वालिफायर टू के दौरान काफी बेहतरीन तरीके से वो एम चिदम्बरम स्टेडियम में जाके उन्होंने चीजें एनालाइज की थी, और उन्होंने ये बोला है कि जो सरफेस है वो काफी मतलब स्लीपी सा है, वो सरफेस मतलब आज बॉलर के लिए काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है, और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइनअप में आएगा बैट्समैन वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये चीजें उन्होंने हमसे बोली हैं। अब आप लोग एक चीज तो जानते हैं कि आज का जो प्लेइंग इलेवन है, आज का जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आपको अपने इम्पैक्ट प्लेयर किसको रखना है और प्लेइंग इलेवन में आज कौन कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से हमको देखने को मिलेंगे रहान मुल्ला, गुरबाज, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, एंड्रू रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, मिशेल स्टार्क, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो वैभव अरोरा एज अ इम्पैक्ट प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। सनराइज हैदराबाद की बात करें तो हमारे सामने यहाँ पर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, नीतीश रेड्डी, एडन मरकरम, हेनरिच क्लाशन, शहबाज अहमद, अब्दुल समद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादन, इतने प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं। इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो टी नटराजन हमको सनराइज हैदराबाद की तरफ से एज अ इम्पैक्ट प्लेयर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच की, तो बेस्ट बैट्समैन यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों कुछ रहे हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं। तो आप लोग एक चीज जानते हैं कि जो बेस्ट बैट्समैन यहाँ पे इस मैच के रहे हैं वो दोस्तों रहे हैं ट्रैविस हेड। ट्रैविस हेड परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेहतरीन रहे हैं, क्योंकि ट्रैविस हेड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, और कई बार जिन लोगों ने ट्रैविस हेड को एज अ कैप्टन रखा था, कप्तान बना के रखा था, उन्होंने ड्रीम इलेवन में रैंक बनवा ली। तो ट्रैविस हेड आज के मैच के लिए एक सितारा है जिनको सबको टीम में रखना है, तो ट्रैविस हेड को आप लोग जरूर जरूर टीम में रखिएगा। कैप्टन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैप्टन कई लोग इनको बनाएंगे, तो आप सिर्फ टीम में रखिए कि कैप्टन किसको बनाना है, अभी मैं वीडियो का एंड में बताऊंगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बॉलर की, तो बेस्ट बॉलर यहाँ पे अरुण चक्रवर्ती हमारे सामने देखने को मिलने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती जो कि हमारे स्पिनर हैं, उनको टीम में रखना आपके लिए काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता है। ये हर्षल पटेल के साथ भी काफी बेहतरीन तरीके से मिले हुए हैं, और इनका हेनरिच क्लासिन के साथ काफी बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहता है, और काफी यूनिक लेवल से परफॉर्मेंस यहाँ पे दोस्तों हमको देखने को मिलती है। तो आप लोग अगर इन प्लेयर्स को टीम में रख के चलेंगे तो आप लोग भी बेहतरीन विनिंग कर पाएंगे, आप लोग भी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें नेक्स्ट अपने परफॉर्मेंस की, नेक्स्ट तो आप लोग सिनेरियो एक के अगर बात करें तो पहले सिनेरियो में दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स विन द टॉस एंड उन्होंने बॉलिंग सिलेक्ट की थी, ठीक है, जब पहला मैच हुआ था इन दोनों के बीच में, तब इनको दोस्तों फर्स्ट इनिंग में 200 से 210 रन बने थे और केकेआर ने मैच जीत लिया था। सेकेंड बार जब इनको आमने सामने आए तो सनराइज हैदराबाद ने टॉस जीता और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉलिंग सिलेक्ट की, उन्होंने 205 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच जीत लिया, यानी कि दोनों बार केकेआर ने मैच जीत लिए हैं। तो यानी कि देखा जाए तो केकेआर
मजबूत टीम है और केकेआर यहाँ पे विनिंग दिला सकती है। ठीक है, तो आइए मैं आपको टीम क्रिएशन की ओर ले चलता हूँ। टीम क्रिएशन के बारे में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर आज यहाँ पे चलने वाले हैं और कौन कौन से प्लेयर को आप टीम में रख सकते हैं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टीम क्रिएशन के। तो आइए, प्रिडिक्शन का वीडियो तो आप लोगों ने देख ही चुकी है, अब लाइव टीम क्रिएशन भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे हमारे सामने, हम सब जानते हैं, पिच बैटिंग गुड फॉर पेसर बॉलिंग एवरेज स्कोर 180 और एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मैच का कंडक्शन होने वाला है। विकेट कीपर हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं हेनरिच क्लासेन, जिन्होंने केकेआर के सामने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रखी है कई कई बार। उसके साथ यहाँ पे अरमुल्ला गुरबाज हमारे सामने देखने को मिलने वाले हैं, इन्होंने भी सारज के सामने कई बार परफॉर्मेंस किया है और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे इन्होंने टीम क्रिएशन किया हुआ है। तो ये क्लासेन और गुरबाज दोनों आज हमारी टीम में रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं बैट्समैन की। तो ट्रैविस हेड, जो कि इस मैच की जान है, शान है, धमाकेदार तरीके से उन्होंने इस बार परफॉर्मेंस की है, तो ये अपनी टीम में रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे बात करें तो श्रेयस अय्यर, जो कि केकेआर के बेहतरीन राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो इनको दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आज के मैच में टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट करेंगे। वेंकटेश अय्यर दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं और इन्होंने भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी की है, तो ये भी हमारी टीम में रहेंगे। अब बात यही है यहाँ पर रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह को टीम में जरूर जरूर लिया जाएगा, क्योंकि रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस आप लोग देखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो रिंकू सिंह कभी हमको निराश नहीं करते, तो इनको टीम में रखना आज के मैच के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे शर्मा की तरफ भी, अभिषेक शर्मा की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी नेक्स्ट लेवल से रही है और अभी तक इन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमको दे रखी है। ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे एंड्रू रसल आज के मैच में काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, इनको और साई नरीन, इन दोनों को अपने टीम में आज हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल से यहाँ पे देखने को मिलेगी हमको। बात करेंगे बॉलर की, तो यहाँ पे पैट कमिंस और उसके साथ साथ यहाँ पे टी नटराजन, ये दोनों प्लेयर हमको देखने को मिलेंगे आज के मैच के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल से है और काफ़ी बेहतरीन विनिंग ये दिला सकते हैं। कप्तान उप कप्तान की बात करें तो कप्तान उप कप्तान यहाँ पे आप, मैं आपको तीन सजेशन दूंगा। पहला ट्रेविस हेड रहेंगे, ठीक है, आप इनको कैप्टन बना सकते हो। दूसरा हेनरिच क्लासेन को आप लोग कप्तान बना सकते हो। और तीसरा यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे साई नरीन और एंड्रू रसल, ये दोनों को आप लोग यहाँ पे एज अ कैप्टन रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बॉलर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे सकते हैं। सो ट्रेविस हेड रहेंगे कप्तान और साई नरीन रहेंगे वाइस कैप्टन। ये रही हमारी प्रिडिक्शन की टीम, लेकिन ये कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाएं यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आप लोगों से शाम को टेलीग्राम चैनल पे।